बाबा पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मतदान केंद्र है। अश्वनी चौबे भी यहाँ अभी तुरंत मतदान करने के लिए आए थे, लेकिन मतदान केंद्र जो है वो खाली है। हमारे साथ जो है अश्वनी चौबे जी हैं। अश्वनी जी बताइए, तो है वोट कितने सीट का है, मतदान केंद्र खाली क्यों है? नहीं, मुझे लग रहा है कि गर्मी बहुत, धूप काफी तीव्र है, फिर भी लोग घर से निकल रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए मतदाता अभी काफी संख्या में, देखिए धूप में, और अभी लगभग 23% वोट हुआ है, आगे और बढ़ेगा यहाँ का मतदान। चौबे जी शहरी, मुझे लगता है शाम होते होते यहाँ भौरा बुलंद होगा। चौबे जी शहरी इलाका बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड होता है, और वहाँ पर मतदान केंद्र में इक्का दुक्का वोटर, ये क्या दर्शा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड का सांसद, देखिए जनता दल यूनाइटेड के सांसद है, हमारे एनडीए के साथी है, और यहाँ शहर के अंदर वातावरण बड़ा तगड़ा होता है। अभी लोग, बहुत लोग खाना खाने के पहले निकले, हमारी माँ बहनें रसोई बना करके भी कुछ लोग निकलती है, तो मुझे लग रहा है कि आप देखते रहिएगा, 2 बजे के बाद मतदान का संख्या बहुत तीव्र होगा। 19 के मुकाबले इस बार मतदाताओं का रुख इतना उदासीन क्यों है? नहीं, मुझे लगता है मतदाता उदासीन नहीं होना चाहिए, और मतदाताओं को उदासीन रहने का कोई सवाल ही नहीं है। गर्मी तेज है, इसके कारण मतदाता टर्नअप कम हो रहा है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग को जितनी अवेयरनेस करनी चाहिए थी, जितनी तैयारी करनी चाहिए थी, ये शहर का मतदान केंद्र है, यहाँ पर वोटरों के लिए कोई सुविधा का इंतजाम नहीं है? नहीं, जो सुविधाएं उन्होंने कहा था, जो कर सकते हैं मतदान आयोग के, ये आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, वो व्यवस्था की गई है। आपको टिकट नहीं दिया गया, अब आप क्या करेंगे? अरे भाई, मैं टिकट बांटने वालों में रहा हूँ, टिकट कटा नहीं, मैं तो टिकट काटने वाले नहीं बल्कि टिकट बांटने वाले में रहा हूँ, और इसलिए मुझे कोई गम नहीं टिकट कटने का। मैं तो आत्मसम्मान का भूखा रहता हूँ, और मेरा आत्मसम्मान पर अगर कोई चोट पहुँचेगा तो मैं किसी के सामने झुका नहीं हूँ और न झुक सकता हूँ। लेकिन टिकट कटा, आपके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुँची? टिकट कटा तो आपके आत्मसम्मान नहीं, टिकट कटने से मुझे नहीं है, तो जिन लोगों ने कलंकित किया है वो चुनाव के बाद मैं उनसे निपटूंगा। आगे भूमिका तो बाबा, जैसा कि अश्वनी चौबे थे, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जिन लोगों ने उनके टिकट काटने में भूमिका अदा की, वो उनको उसकी रोल को उजागर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मतदान चल रहा है, और ये सब वैसे मतदान केंद्र हैं भागलपुर शहर के अंदर, जहां पर दोपहर के समय भी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या होती थी। लेकिन इस बार जो है, हालांकि चुनाव आयोग ने काफ़ी दावे किए थे, लेकिन यहां कोई ऐसा टेंट या ऐसा वोटरों के लिए कोई ऐसी सुविधा का इंतजाम नहीं दिख रहा है, जिससे कि लगे कि या वोटरों के बीच में एक मैसेज जाए कि हाँ, वो दोपहर में भी आकर वोटिंग कर सकते हैं। निश्चित रूप से अब सबको उम्मीद है कि शाम में, यानी कि 3 बजे के बाद जो है, शायद मतदाता आए। लेकिन एक बार फिर साबित है, एक बार फिर साफ हुआ, प्रथम चरण के बाद भी दूसरे चरण में भी मतदाताओं का रुख जो है इस बार वोटिंग को लेके काफी उदासीन रहा है। बाबा जी।